नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ भावना। मौसम विभाग की ओर से आज यानी शनिवार को प्रदेश में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत के कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं। यानी आने वाले दिनों की बात करें तो प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 से 3 दिन कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही कुछ इलाकों में तेज और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ मलबा और बोल्डर आने से राज्य में 159 मार्ग आवागमन ठप हो गया है, जिनमें बॉर्डर रोड, राज्य मार्ग से लेकर ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल है। वहीं सबसे अधिक प्रभावित चमोली जिला है, जहां पर 39 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद है। साथ ही सीमांत पिथौरागढ़ जिले में 1 बॉर्डर रोड और 22 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित है। वहीं बात करें देहरादून की, तो देहरादून जिले में मार्ग के हाल बेहद ही खराब है। यहाँ पर 1 राज्य मार्ग और 20 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद है। हालांकि रुद्रप्रयाग में 11 ग्रामीण मोटर मार्ग, उत्तरकाशी में 2 राज्य मार्ग, 1 मुख्य जिला मार्ग और 4 ग्रामीण मोटर मार्ग, नैनीताल में 1 राज्य मार्ग और 8 ग्रामीण मोटर मार्ग, बागेश्वर में 3 मुख्य जिला मार्ग और 4 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद है। वहीं अल्मोड़ा में 1 मुख्य जिला मार्ग और 4 ग्रामीण मोटर मार्ग, चंपावत में 3 और पौड़ी गढ़वाल में 17 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित है। साथ ही उधम सिंह नगर में भी 1 राज्य मार्ग और 1 ग्रामीण मोटर मार्ग और 1 टिहरी में 1 राज्य मार्ग और 14 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद पड़े हैं। इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।